वैसे छात्रों छात्राएं जो 2022 में इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, चाहे दोस्तों आर्ट साइंस एंड कॉमर्स किसी भी संकाय का वो छात्रों छात्राएं हैं, तो उनका यहां से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया। सो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, इस फॉर्म को भरने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर इस फॉर्म को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स किसी भी संकाय का फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कैसे डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना, यहाँ पर आपको बताया गया कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो उसमें आपको किस तरह का फोटो चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पर देखते हैं, एक फ़ोटो का बैकग्राउंड व्हाइट है, दूसरा फोटो का बैकग्राउंड यहाँ से ग्रीन रखा गया है। तो इस तरह का फ़ोटो आप यूज कर सकते हैं, चाहे दोस्तों आर्ट साइंस एंड कॉमर्स जिस भी संकाय के आप छात्र हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं, तो आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो कॉलेज कोड आपको यहां से लगने वाले हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि दोस्तों जब आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया वहां पर आपका बताया गया था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जाकर देखते जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, 10वीं का मार्कशीट का डिटेल्स आपका भरा जाएगा जो आपको रहना चाहिए, सब्जेक्ट डिटेल्स यानी दोस्तों कि आप किस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस हो गया और स्टूडेंट का हस्ताक्षर आपका लगने वाला, माता पिता का हस्ताक्षर लगने वाला है, सो आप यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं तो आपको आर्ट साइंस एंड कॉमर्स तीनों का यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आ गया, इजिली क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर में जो भी लिखा गया उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, सो आप यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली होना चाहिए, सो भी आप यहाँ पर देखते हैं, शब्द के बीच खाली बॉक्स रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण केवल सूचीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार भरें, यानी कि दोस्तों आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया उसके अनुसार आपको डिटेल्स यहाँ पर भरना होता है। सो आप यहाँ पर देखते हैं, जो भी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के छात्र हैं सभी का फॉर्म यहाँ से सेम सेम रखा गया। सो आपको मैं दिखाता हूँ, ये साइंस का है, ये आर्ट्स का है और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉमर्स का, तो सभी का फॉर्म सेम है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट रखा गया, भरना आपको सेम है। किस इस वीडियो को भी देखकर आप साइंस आर्ट या कॉमर्स जिस भी संकाय के स्टूडेंट है वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉलेज का कोड, आपके कॉलेज का जो भी कोड है वो आपको यहाँ पर भर लेना। मैंने यहाँ से डेमो के लिए कुछ भी भर के रखा है, इसको आपको नहीं भरना, आपका जो रियल है उसको भरना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में रखा गया वो आप यहाँ से भर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने खाली स्थान छोड़ दिया, यहाँ पर आपको 20, 21 या 22 जो भी रखा गया वो आप यहाँ से भर देंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम इस तरह से भरना है, कैपिटल लेटर में एक स्पेस आपको अपने वर्ड के प्रति छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट का नाम, जो भी छात्र का नाम है, मार्कशीट और आधार कार्ड में स्पेलिंग से, तो उस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मैंने बता चुका हूँ किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो के नीचे आपको सिग्नेचर भी भरना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स का नाम जिस तरह से आपके मार्कशीट आधार कार्ड के अनुसार स्पेलिंग सही है उस तरह से आपको यहाँ पर भर लेना है कैपिटल लेटर में। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है टिक कर लेना, मैरिड अनमैरिड आपको टिक कर लेना यस नो। उसके बाद कास्ट कैटेगरी में जिस भी कास्ट में आ रहे हैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली टिक कर लेना। उसके बाद डिफरेंट एबल्ड में आपको अगर शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर विकलांग रहते हैं तो आपको क्या विकलांग है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, मैंने यहाँ से उल्लेखित लिख दिया, यानी कि दोस्तों आपको उल्लेख करना पड़ेगा क्या विकलांग है। उसका दसवां उत्सव में आपको मिल रहा है कि आप नेत्रहीन हैं, अगर नेत्रहीन हैं तो आपको यस पर क्लिक करना, नहीं है तो नो पर क्लिक करना, मैंने यहाँ से नो पर क्लिक कर मतलब नो पर टिक नहीं किया, आपको नो पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आपको मोबाइल नंबर 11 ऑप्शन में मांग रहा है, मोबाइल नंबर आपको सही सही फिल करना है, आधार नंबर आपको सही सही फिल करना है, मैंने यहाँ से कुछ भी फिल कर रखा हूँ, आपको इस तरह से नहीं फिल करना है। ईमेल आईडी आपको कंपलसरी रखा गया, आपका ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो किसी भी साइबर कैप में जाकर अपना ईमेल आईडी बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर पर टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर देखते हैं मैट्रिक क्लास एक्स पासिंग बोर्ड नेम, यानी कि दोस्तों आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं, तो मैंने यहाँ देखते हैं BSEB बोर्ड पटना, अगर बिहार बोर्ड से पास किए तो इस तरह से आपको लिख देना है।
उसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं जिस स्कूल से मैट्रिक पास किए उस स्कूल का रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, कब आप मैट्रिक पास किए हैं, अकॉर्डिंग 2020 में मैट्रिक पास करते हैं तो 2022 में फाइनल परीक्षा देंगे। तो मैंने इस तरह से भर के रखा, अपने अनुसार आप भर सकते हैं। उसके बाद 17वां ऑप्शन में आपको मांगा कि पूर्ववर्ती समूहता कंपार्टमेंटल, अगर आप कंपार्टमेंटल से देते हैं तो आप ये सारे डिटेल्स भरते हैं या समूहता या पूर्ववर्ती से, और नहीं देते हैं तो आप इसमें भर देंगे, ये उसको आपको छोड़ देना। उसके बाद इस फॉर्म को इधर आपको दिखाता हूँ, इधर भी कुछ डिटेल्स आपको भरने होते हैं, सो आप यहाँ पर देखते हैं भरना क्या है। तो सब्जेक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर लिखते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट आपको 200 मार्क का रखना है। इसमें आप यहाँ पर लिखते हैं मैंने इंग्लिश पर टिक किया है और यहाँ पर हिंदी में टिक किया। अगर आप यहाँ पर हिंदी में टिक करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में टिक कर सकते हैं, या दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में टिक करते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर टिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इसमें और इसमें से आपको इसमें एक सब्जेक्ट इसमें एक सब्जेक्ट आपको लेना, इन टोटल 200 मार्क्स का सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए दोनों मिला के। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, जिसमें आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आप यहाँ पर देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी नहीं लेते हैं मैथ से लेते हैं तो आप यहाँ पर मैथ पर टिक कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो आप यहाँ पर देखते हैं 300 नंबर इधर और 200 नंबर इधर, 500 नंबर आपका हो गया। उसके बाद आपको बचता है एडिशनली ऐच्छिक सब्जेक्ट, अगर आप ऐच्छिक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं उसके सामने आपको टिक कर लेना इस तरह से, और नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो आपका एड्रेस जो भी है आपका वो एड्रेस आप इस तरह से फिल कर रहे हैं, ग्राम पोस्ट आपका कहाँ है, @PO ब्लॉक कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ, फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको पिन नंबर आपके एरिया का जो भी है फिल कर लेंगे, आपका जो भी स्टूडेंट का सिग्नेचर है हिंदी में फिल करना है, इंग्लिश में फिल करना है स्टूडेंट का। उसके बाद स्टूडेंट के जो भी पेरेंट्स माता पिता हैं वो आप किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पर करवा लेंगे, और इस डब्बे को आपको छोड़ देना, इस डब्बे में प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर होने वाला है तो इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में फिर भी क्वेश्चंस रहता है इस वीडियो समेत तो हमें नीचे अभी ही वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ।